हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मंडे टू फ्राइडे टिफिन आइडियाज़ जो स्कूल एंड कॉलेज गोइंग दोनों लेके जा सकते हैं। एंड ये रेसिपीज़ हेल्दी होने के साथ साथ टेस्ट में भी लाजवाब हैं। सो फर्स्ट रेसिपी इज़ प्रोटीन पुलाव। उसके लिए मैंने यूज़ किए हैं राजमा और रोंगी, जिसे हम कहते हैं किडनी बीन्स, और लोबिया, जिसे ओवरनाइट मैंने सोक करके रखा था। प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल, दो छोटी इलायची के सीड्स, दो लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, जीरा ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसको भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम अनियन, उसको थोड़ा सा सॉटे होने देंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, टमाटोज़ ऐड करेंगे, नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी और साथ ही गोल स्लाइसिस में कटी हुई गाजर, किडनी बीन्स और लोबिया। चावल डाल देंगे, एक कप डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। इनको अच्छे से भून लेंगे एटलीस्ट 15 से 20 सेकेंड के लिए। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 कप्स ऑफ वाटर। उसके बाद हाई फ्लेम पे रख के प्रेशर कुकर को कर देंगे हम बंद एक विसल आने तक। विसल आ जाए तो गैस को लो फ्लेम पे हम 10 मिनट तक पकाएंगे और देखेंगे उसके बाद आपकी राजमा और लोबिया दोनों गल चुके हैं और हमारा पुलाव जो है वो रेडी है। इसके साथ टिफ़िन में आप प्लेन दही या रायता भेज सकते हैं। मेरा बेटा रायता पसंद करता है तो उसके लिए इंस्टेंट रायता बनाती हूँ मैं। पकौड़ी में ऐड किया है मैंने थोड़ा सा दही, सॉल्ट ऐड किया है, ब्लैक पेपर और पुदीने के सूखे पत्ते रखती हूँ अपने पास, क्रश करके उनको ऐड कर दिया है। तो बस रायता रेडी हो गया है। मैंने इस पुलाव को किडनी बीन्स और लोबिया के साथ बनाया है। आप चाहें तो इसमें वाइट चना ऐड कर सकते हैं, सोया चंक ऐड कर सकते हैं, बच्चों की चॉइस पे डिपेंड करता है। बहुत ही यम्मी बनता है ये पुलाव, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए टिफ़िन हो गया है रेडी, नाउ इट्स टाइम फॉर स्कूल। नेक्स्ट रेसिपी इज़ चीज़ चना मिक्स। बहुत ही इंस्टेंट बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। बच्चों का फेवरेट चीज़ यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें, जिसको मैंने क्रश नहीं किया है। इसको हम काट लेंगे स्लाइसेस में। और साथ ही इस रेसिपी में मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट चना, जिनको मैंने पहले से बॉयल करके रखा है। आप चाहें तो एक लार्ज क्वांटिटी में चना को बॉयल करके फ्रीज़ कर सकते हैं, वो ऐसी रेसिपीज़ में काफ़ी काम आते हैं। तो एक बाउल में हमने डाल दिए हैं 1 कप ऑफ बॉयल चना, और साथ ही डाले हैं कुछ अनार के दाने, कुछ ऑलिव्स, कुकम्बर डाल दिया है कटा हुआ, सॉल्ट ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर एंड चाट मसाला, और साथ ही ऐड करेंगे बच्चों का फेवरेट चीज। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और आपका चीज चना मिक्स रेडी है। ये टिफिन जैस्मिन का फेवरेट है, तो चलिए कर देते हैं इस टिफिन को भी रेडी। थर्ड रेसिपी इज़ स्प्राउट सैंडविच। आजकल समर्स में मैं अपने फ्रिज में स्प्राउट्स को ज़रूर रखती हूँ, खासकर मूंग स्प्राउट्स को। तो उसी के साथ बनाएंगे आज सैंडविच। थोड़े से ले लिए हैं स्प्राउट्स, साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं केचप, थोड़ी सी ऐड करेंगे शुगर क्रंची टेस्ट के लिए, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्सचर हो गया है रेडी। अब तवे पे लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल ब्रश की हेल्प से और ब्रेड को अच्छे से सेक लेंगे। थोड़ी सी क्रंची हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। ब्रेड को सेक लेने के बाद हम दोनों पीसेस पे लगाएंगे पीनट बटर। एक स्लाइस पे रख देंगे वो फिलिंग जो हमने रेडी करके रखी है, दूसरे स्लाइस से उसको कवर कर देंगे, ट्रायंगल शेप में नाइफ की हेल्प से कटिंग कर लेंगे और हमारा सैंडविच रेडी है।
फोर्थ यानी कि थर्सडे की रेसिपी है पनीर टिक्का रोल। उसके लिए मैंने दही को थोड़ा सा फैंट लिया है, साथ ही उसमें ऐड किया है सॉल्ट, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे क्यूब्स में कटे हुए पनीर के पीसेस। इसको 15 मिनट तक ऐसे ही मिक्स करके रहने दें। आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं ओवरनाइट के लिए, इससे भी और भी अच्छा बनेगा। रोल के लिए जो रोटी आपने बनानी है उसका साइज थोड़ा बड़ा रखें। मैं यहाँ पे होल व्हीट फ्लार की रोटी बना रही हूँ। आप चाहें तो मैदा और गेहूं के आटे को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैदा यानी कि रिफाइंड फ्लोर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो मैं उसका इस्तेमाल अपने किचन में बहुत ही कम करती हूँ। पनीर को उसकी मैरिनेशन के साथ ही हम एक पैन में डाल देंगे और हाई फ्लेम पे बिना ढके हुए इसे ऐसे ही पकाएंगे, कम से कम तब तक जब तक कि इसका पानी बहुत ही कम रह जाए। फिर इसमें डाल देंगे थिन स्लाइसेस में कटी हुई कैप्सिकम और अनियंस और इसको कवर कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको कम से कम 1 मिनट तक पकाएंगे और आपका पनीर टिक्का रेडी हो गया है। अब जो रोटी हमने बना के रखी है उस पे हमने लगानी है थोड़ी सी मेयोनीज और साथ ही डाल देंगे हम केचप। इसको स्प्रेड कर देंगे पूरी रोटी पे और रख देंगे पनीर टिक्का जो हमने रेडी किया है। लास्ट में स्प्रेड कर देंगे थोड़ा सा चाट मसाला और रोल कर देंगे। सो आपका पनीर टिक्का रोल इज़ रेडी। फ्राइडे की रेसिपी है लौकी परांठा। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लौकी जिसको मैंने क्रश कर लिया है, साथ ही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रेला चंक्स जिसको मैंने गर्म पानी में 10-15 मिनट भिगो दिया था। अब इसका पानी सारा मैं निचोड़ दूंगी और ग्राइंडर जार में इसे ग्राइंड कर लेंगे। लौकी की सब्जी बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट वे है उनको लौकी खिलाने का। और न्यूट्रेला चंक्स बहुत ही पौष्टिक होते हैं यानी कि बहुत हाई प्रोटीन है ये। अब इसको ग्राइंड करने के बाद इसका पाउडर हमारे पास आ जाएगा। अब इसका डो रेडी कर लेंगे। उसके लिए लिया है मैंने होल व्हीट आटा, लौकी ली है क्रश की हुई, सोया चंक्स, प्याज कटे हुए, साथ ही जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट, गरम मसाला, चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट ऐड किया है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से गूंद लेंगे। इसके लिए आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लौकी में ऑलरेडी काफ़ी पानी होता है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही बहुत अच्छा गूंद जाता है। अगर आप इस डो को रात को रेडी करके फ्रिज में रख देंगे तो सुबह 5 मिनट में टिफिन्स रेडी हो जाते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको दोबारा गूंदूंगी ताकि ये मेरे हाथों के साथ चिपके नहीं। चलिए डो तो हमारा रेडी हो गया है, अब बना लेते हैं हम फटाफट परांठा। ये परांठा सच मानेंगे तो बहुत टेस्टी बनते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, हमें खुद को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अपने लिए बना रहे हों तो ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करें। तो ये तो थी मंडे टू फ्राइडे टिफ़िन रेसिपीज़। जल्दी ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी सैटरडे स्पेशल टिफ़िन बॉक्स आइडियाज़, क्योंकि सैटरडे ही ऐसा दिन होता है जिस दिन स्कूल में अलाउड होता है बच्चों को कुछ भी अपनी मर्जी का लेके आना, यानी कि जंक फ्राइड वो कुछ भी लेके आ सकते हैं। तो उसकी रेसिपीज़ भी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। तो परांठा के साथ मैंने डाल दिए हैं कुछ मैंगोज़, कुछ ड्राई फ्रूट और साथ ही प्लेन दही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।